सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। देवरिया 6 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए प्रशासनिक स्तर पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई। ब्लॉक के BDO, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को सेक्टर और SDM को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो अपने अपने तहसीलों और ब्लॉकों में परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। जिला स्तर पर सचल दस्तों की तैनाती के बाद सेक्टर और ब्लॉक स्तर पर भी सचल दस्ते की तैनाती की गई है। प्रशासन ने हर तहसील के परीक्षा केंद्रों को सेक्टर में बांट दिया है। जिले में 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 256 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा 5 सचल दस्ते का गठन किया गया है। DM सुजीत कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेट अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर CCTV कैमरे की जांच करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रतिदिन अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। स्टेटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही प्रश्न पत्रों के बंडल खोले जाएंगे और उत्तर पुस्तिकाएं सील होंगी। सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट DIOS कार्यालय के कंट्रोल रूम में देंगे। इनसे 4 फरवरी को होगी अगली बैठक। बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन एवं बेहतर तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन अगली बैठक 4 फरवरी को होगी। इससे पूर्व SSBL कॉलेज में 28 जनवरी को जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा 29 जनवरी को केंद्र व्यवस्थापकों और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक जिलाधिकारी ले चुके हैं। इनसेट परीक्षा से पूर्व विद्यालय पर रहे प्रधानाचार्य DIOS शिव चंद राम ने गुरुवार को बताया कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने के करीब एक सप्ताह पूर्व तक विद्यालय के प्रधानाचार्य या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति विद्यालय में अवश्य मौजूद रहे। इनसेट बेसिक शिक्षा विभाग के 1117 शिक्षक करेंगे ड्यूटी। DIOS ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कॉपियां भेज दी गई हैं, जहां नहीं दी हैं वहां के केंद्र व्यवस्थापक से शीघ्र कॉपियों को ले जाने को कहा गया है। केंद्रों पर शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई। कुल कक्ष निरीक्षकों की आवश्यकता 6,442 है। माध्यमिक विद्यालयों के 5,325 शिक्षकों को लगाया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से 1,117 शिक्षकों का भी सहयोग लिया जाएगा।